आरडी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 3 है ये बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज है 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो स्टार किस पे है? नेचुरल नंबर पे। डिफाइंड बाय, डिफाइंड किस तरीके से है? ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी, ए बी का एलसीएम फॉर ऑल ए और बी, जिसमें ए और बी कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर से आएंगे। तो आपका पहला पार्ट जो है इसमें कहा गया है फाइंड 2 स्टार 4 और 3 स्टार 5 और 1 स्टार 6। तो 2 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना किसका? 2 और 4 का। ये कितना निकल के आएगा? 2 और 4 इस तरीके से निकालते हैं हम, 2 into 2, 2 into 4, तो 2 into 2, 4, ये आपका 4 हो गया। 3 और 5 दोनों में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो ये आपका 5 3 15 हो जाएगा और 6 और 1 में 6 हो जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा गया है चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार ऑन एन। तो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को करने के लिए सबसे पहले कम्यूट वाला देखते हैं। देखिए ए और बी यदि एन को बिलोंग करते हैं और सीधा बोला गया है कि ए स्टार बी आपका क्या है? एलसीएम है ए कमा बी का। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ओके, तो ए स्टार बी एलसीएम ए बी का क्या होगा? एलसीएम ए बी। अब मैं ए बी का एलसीएम में अगर बी स्टार ए करूं तो भी ये एलसीएम बी ए का भी वही होगा। जैसे अभी हमने देखा कि 3 और 5 का एलसीएम भी 15 होगा और 5 और 3 का एलसीएम भी आपका 15 होगा। इसका मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, तो ये आपका कम्यूटेटिविटी हो गई। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी पे। इस पे ये देख लिया हमने, एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है, इसको देखिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इन दोनों को कर लें, फिर इसके साथ ये कर लें, और उस दूसरे में हम पहले इनको करें फिर इसके साथ करें, राइट? तो आप देखिए कि अगर मैं आपको तीन वैल्यू क्योंकि इसका एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ एलसीएम निकालना है, राइट? और ये नेचुरल नंबर है, तो आप ले लीजिए 3 और 1, 3 और 5 ले लीजिए, ठीक है जी। अब 1 स्टार 3 स्टार 5 कर लीजिए आप। पहले इसका ले लीजिए 5 3 15, 1 स्टार, तो क्या होगा? 15 और 1 का 15 होगा। यहां पर आ जाइए 1 स्टार 3 स्टार 5, तो 1 और 3 का 3 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो दोनों ही केस में ये दोनों बराबर हुए, है ना? इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी भी ये फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है? तो पहला पार्ट इसमें जो दिया हुआ है वो बता देता हूं आपको। इसमें है स्टार ऑन एन, नेचुरल नंबर पे है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है ये? ए स्टार बी बराबर 1, जिसमें ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं इस नेचुरल नंबर में। तो चाहे आप कुछ भी करें, मतलब इस नेचुरल नंबर के सेट से 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा ये, कोई भी वैल्यू उठा लें आप, इनको ऑपरेशन हमेशा 1 ही आना है। तो कोई भी उठा लीजिए, ए बी उठा लीजिए या बी ए उठा लीजिए, ये हमेशा 1 ही आएगा। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया, दोनों में 1 ही आ रहा है, बराबर 1 भी कर देता हूं मैं। इसका मतलब ये तो सही बात है कि कम्यूटेटिव तो हो गया। एसोसिएटिविटी को देख लेते हैं। अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो क्योंकि किसी का भी कोई भी आप स्टार करें, ए स्टार बी, बी स्टार ए, बी स्टार सी, ये 1 ही आना है। यहां पर कर लें ए स्टार बी, ये 1 आना है। अब किसी के साथ भी किसको किसी को करें या आना, इसको 1 ही है क्योंकि डिफाइंड ही इस तरीके से। ए स्टार 1 में भी 1 आएगा या 1 सी स्टार 1 में भी या 1 स्टार सी में भी आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब ये आपका एसोसिएटिविटी भी फॉलो करती है।
अब जो सेकंड पार्ट है ये ध्यान रखिएगा, ये एन सी ई आर टी का क्वेश्चन है, साथ में ये सी बी एस ई 2008 में भी आया है। तो पहले इसको शुरू करते हैं कम्यूटेटिविटी से। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, ए और बी दोनों आपके नेचुरल नंबर में है ना, और ए स्टार बी डिफाइन किया गया है ए प्लस बी बाय टू से। तो ए स्टार बी है ए प्लस बी बाय टू, और बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस ए बाय टू। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, वन प्लस टू, टू प्लस वन ए के बराबर होता है, तो ए प्लस बी बाय टू, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर हो गए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट में, जिसे हम कहेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी और बराबर दिखाना है आपको ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले इसको दोनों को कर ले, फिर इनको कर ले, दोनों को बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये क्या है, ए स्टार, अब देखिए बी स्टार सी क्या होगा, ये होगा बी प्लस सी बाय टू, इसकी जगह बी प्लस सी बाय टू रख दीजिए। ए स्टार बी क्या होगा, डेफिनेशन से जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है वो है ए प्लस बी बाय टू, तो यहां पर लिख दीजिए ए प्लस बी बाय टू स्टार सी। अब यहां पर अब ये आपका एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, तो दिस प्लस मतलब पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू बाय टू आना है, ये हो जाएगा ए प्लस ये पूरी वैल्यू बी प्लस सी बाय टू बाय टू, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ए प्लस बी बाय टू, ये पहली वैल्यू हो गई प्लस दूसरी वैल्यू हो गई बाय टू। इसको देख लीजिए, ऊपर वाला कर रहा हूं अभी, टू बेस ले लेते हैं, टू ए प्लस बी प्लस सी, नीचे टू है ही, यहां टू रख दीजिए। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ये टू सी जाएगा बाय टू, और ये टू है ही नीचे तो टू। तो आप देखिए कि ये इसमें टू ए है, यहां पर टू सी है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है जी, ये दो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। स्टार जो है, ये जो ऑपरेशन आपको बताया गया है ए प्लस ए स्टार बी इज ए प्लस बी बाय टू, ये एसोसिएटिव नहीं है इस केस में, ध्यान रहेगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल से भी बता देता हूं, चलिए एग्जांपल भी देख लीजिए। अब देखिए ए को वन ले लीजिए, पहले ये सब हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर मिले। तो आप देखिए इसको, हमने ए वन टू और थ्री लिया, बी ए वन बी टू सी थ्री, तो वन स्टार टू स्टार थ्री, टू स्टार थ्री क्या आया, टू प्लस थ्री बाय टू यानी फाइव बाय टू आ गया, और वन स्टार फाइव बाय टू क्या हो गया, वन प्लस फाइव बाय टू बाय टू, यानी हो गया टू प्लस फाइव सेवन बाय टू, यानी कि सेवन बाय फोर हो गया। अब हम इन दोनों को ना करके पहले वन और टू को करेंगे, तो वन और टू को कर रहे हैं पहले हम, तो वन और टू का क्या हो गया, वन प्लस टू बाय टू यानी थ्री बाय टू, और यहाँ स्टार थ्री है तो थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय टू, ये हो जाएगा थ्री प्लस हो जाएगा फाइव, थ्री थ्री टू सिक्स, सिक्स बाय टू, तो ये नाइन बाय टू, नाइन बाय फोर हो जाएगा, तो ये सेवन बाय फोर है, ये नाइन बाय फोर है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू से दिखाया गया है, यानी कि ए और बी सिंबल से, और यहां पर आपका एक्चुअल जो नंबर्स हैं उनको यूज करके एग्जांपल लिया गया, तो आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें, दोनों ही बात सेम है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया है, लेट ए बी एनी सेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, कोई भी आप एक सेट ले लीजिए जो आपका नॉन एम्प्टी है, मोर देन वन वैल्यू का मतलब यह है कि नॉन एम्प्टी सेट है। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ए स्टार बी बराबर बी, मतलब आप दो वैल्यूज को करेंगे तो ये दूसरी वैल्यू यहां आनी चाहिए, ध्यान रहेगा ए स्टार बी करेंगे तो दूसरी ये जो सेकंड वैल्यू है ये यहां आनी चाहिए, फॉर ऑल ए स्टार ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये और बी हमने यहां से उठाए, यहां से उठाए। इज स्टार कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑन ए, कम्यूटेटिव बताना है एसोसिएटिव बताना है। तो पहली चीज यह है कि जो कम्यूटेटिव से शुरू करते हैं, कम्यूटेटिव में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। अब ए स्टार बी में क्या आएगा, मैंने कहा था दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, और यहां पर क्या आनी चाहिए, बी स्टार ए में दूसरी वैल्यू आनी चाहिए ए, तो बी और ए बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं। अब आइए आप एसोसिएटिव पे, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर, मान के चल रहे बराबर है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले
ऐसे करते इन दोनों को कर लेंगे, यहां पर हम इन दोनों को कर लेंगे। अब इसमें क्या आएगा, हमेशा दूसरा वैल्यू आएगी तो यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर क्या होगा दूसरी वैल्यू आएगी तो ये बराबर बी स्टार सी आ जाएगा, इसमें क्या होगा आपका हमेशा दूसरी वैल्यू आएगी तो सी आएगा, इसमें दूसरी वैल्यू आएगी यानी कि सी आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, अब क्वेश्चन नंबर फोर में अगर आप देखें तो तकरीबन 13 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा 13 पार्ट है, हर इसमें आपको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करना है इन बाइनरी ऑपरेशन की। तो सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कहा गया है स्टार ऑन जेड किस तरीके से डिफाइंड है, ये डिफाइंड इस तरीके से है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, और ए और बी कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके जेड से, जेड मतलब आपका हो गया इंटीजर। तो चलिए ए पहला आपका, सबसे पहला हम कम्यूटेटिव देखेंगे उसके बाद हम एसोसिएटिव देखेंगे, सारे सवाल जितने भी 13 आएंगे ना 13 पार्ट उन सब में देखेंगे। तो हम ए स्टार बी करके देखते हैं, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आता है कि नहीं आता, तो ए स्टार बी क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसको डाल दीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी, इसमें क्या आएगा बी और ए को रिप्लेस कर दीजिए, ए की जगह बी, बी की जगह ए, और ए की जगह बी, और बी की जगह ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहां ला दें, यहां ला दें ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसको यहां यहां कर दें तो आपका ए बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर ये हो गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। ओके, अब आते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव में क्या होगा कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले आप इन दोनों को कर लें फिर आप इन दोनों को कर लें, ठीक है जी। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी क्या मतलब है, यहां पर ए और बी को बी बी और सी से रिप्लेस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। ओके, यहां पर भी ऐसे करेंगे, ये तो खैर ए बी है ही, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि अब ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी दूसरी वैल्यू है और ये यहां रखनी है, तो पहली वैल्यू यहां रखनी है ए प्लस, दूसरी वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। और अब आपको इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो मैं जरा दोनों को पहले कर देता हूं फिर बताता हूं आपको, फिर हम ये वाला करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये हो गया, ये पहला हो गया। हमें जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बता दूं कि सेकंड हम कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। अब इस वाले में देखिएगा कि हम पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे यहां ए और बी की जगह, तो ए प्लस बी प्लस ए सी तो ये हो गया प्लस, फिर ये सी कर देंगे प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो क्या बनता है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस, यहां क्या बना ये ए सी ए प्लस बी प्लस, यहां हमने लिया ए प्लस बी प्लस ए बी है, सॉरी ए बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी हो गया ए बी, फिर हमारा ये हो गया सी प्लस ये सी, ये आपका सी हो गया प्लस ए सी प्लस सी बी प्लस ए बी सी। अब आप देखिए ए बी सी यहां है, ए बी सी यहां है, ठीक है जी, ए बी सी यहां है, बी सी यहां पर है, बी सी यहां पर है, ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर था, ए बी यहां पर है, ये ए बी सी यहां पर हो गया था, ए सी यहां है और ए बी सी यहां है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। अब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो गया ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब जो स्टार है ये एसोसिएटिव भी है। अब सेकंड वाला देख रहे हैं, सेकंड वाले में क्या है, हम आपको कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। तो स्टार कैसे डिफाइंड है देखिए, थोड़ा सा इसमें स्पेशल है ये,
नेचुरल नंबर पे है, पहली चीज तो ये है कि नेचुरल नंबर है, और डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू की पावर ए बी, ओके फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। तो ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए, ए स्टार बी क्या है टू की पावर ए बी, और बी स्टार ए क्या है टू की पावर बी ए। अब ए बी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं टू की पावर ए बी, और यहां भी ये बी और ए को टू की पावर ए बी लिख सकते हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिविटी हो गई इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी पे, तो ए स्टार इसको जरा दूसरे कलर से करते हैं ज्यादा बेहतर है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, राइट। पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। तो ए स्टार इसका क्या होगा बी सी, टू की पावर ए बी के हिसाब से करेंगे तो टू की पावर बी सी आएगा यहां पर, और यहां पर हो गया टू की पावर ए बी और स्टार सी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, आप दो की पावर इन दोनों को उठाएंगे यानी कि टू की पावर ए इंटू टू की पावर बी सी, यहां पर क्या होगा टू की पावर पहले टू की पावर ए बी इंटू सी। तो आप देखिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, किसी भी तरीके से आप यहां पर भी कुछ करें तो बराबर नहीं है, तो इसको नॉन बराबर कर दीजिए, ये नॉन बराबर है, इसके मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब आइए तीसरे पे, थर्ड बोलता है स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय, अब कैसे डिफाइंड है, अब यहां आपका है क्यू, क्यू मतलब क्या हो गया आपका, आपको पता है क्यू का मतलब क्या होता है, तो क्यू है आपका यहां पर पी बाय क्यू फॉर्म रैशनल नंबर होता है, इसमें डिफाइंड है, और डिफाइन किस तरीके से है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ही आना चाहिए, ए स्टार बी क्या ए माइनस बी, बी स्टार ए क्या होगा बी माइनस ए, तो ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए तो होता नहीं है किसी भी क्यू में देख लीजिए, तो ये आप पहली बात है कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब आइए आप ए स्टार बी स्टार सी में, यानी कि हम आप चेक करने वाले हैं, हम चेक करेंगे आपका एसोसिएटिविटी, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम इसको कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये तो आपका बी स्टार सी क्या हो जाएगा बी माइनस सी, और ए स्टार सी क्या होगा ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस माइनस दिस, तो ए माइनस बी माइनस सी, ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पे, तो चौथा पार्ट कहता है आपका, अब यहां सिंबल ये चेंज हो गया ऐसे करके, ऑन क्यू इसमें भी क्यू है, डिफाइंड बाय ए जो भी सिंबल का नाम हो बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार बी स्टार क्या ये है इसमें स्टार बराबर बी ए होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो एक ही चीज है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तो दोनों हो गया आपका कम्यूटेटिव तो हो गया है। अब हम आते हैं आपके एसोसिएटिविटी पे, तो ए ये सिंबल बनाएंगे, बी ये सिंबल बनाएंगे, ए ये सिंबल बनाएंगे, बी ये सिंबल बनाएंगे, सी पहले इन दोनों को कर लेंगे तो यहां इन दोनों को कर लेंगे, तो ए सिंबल ये कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सिंबल सी, इसको इससे क्या मिलेगा आपका, देखिए इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये मिलेगा आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इनको खोल के देख लीजिए, अगर मैं खोलता भी हूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस इसका होगा
बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी कि बी की पावर फोर, सी स्क्वायर की पावर स्क्वायर सी की पावर फोर प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कितना आएगा ए टू टू फोर प्लस बी टू टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉन इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब पांचवा पार्ट है इसमें, इसमें आपका सिंबल है इस तरीके से ओ बना हुआ या जीरो है, ये क्यू पे है और किस तरीके से डिफाइंड है ये ए ओ बी बराबर ए बी बाय टू, ठीक है जी। तो पहला लेते हैं ए स्टार, तो नहीं लिखूंगा स्टार, आदत पड़ गई स्टार की, तो ए ओ बी बराबर बी ओ ए होना चाहिए। ए ओ बी क्या है ए बी बाय टू, बी ओ ए क्या है बी ए बाय टू, तो ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता है, तो इसको हम ए बी बाई टू ही लिख सकते हैं इस वाले को। तो ये आपका कम्यूटेटिव तो हो गया, राइट। अब एसोसिएटिविटी पे आते हैं, एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको ए ओ बी ओ सी बराबर ए ओ बी ओ सी, पहले हम इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। ये हो जाएगा ए ऑपरेशन, बी और सी का क्या आएगा बी सी बाई टू, और ये क्या आ जाएगा ए बी बाई टू। अब पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई टू करेंगे, तो ए इंटू बी सी बाय टू डिवाइड बाई टू, और ये कितना आएगा पहले वाला लेंगे दूसरा वाला लेंगे और डिवाइड बाई टू कर देंगे, ये कितना आएगा ए बी सी बाय फोर, और ये हो जाएगा ए बी सी बाय फोर, दोनों तो बराबर आ गए, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है। अब सिक्स्थ पे आ गए हम, सिक्स्थ क्या कहता है, यहां पर स्टार्स पे फिर लौटे आए हैं, स्टार ऑन क्यू, ये आपका क्यू हो गया स्टार ऑन क्यू, डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसा है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ओके। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी डिवाइड बिलोंग्स टू क्यू, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले ए स्टार बी को बराबर करेंगे बी स्टार ए से, अगर दोनों बराबर होते हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा, ए स्टार बी हो गया ए बी स्क्वायर, बी स्टार हो गया बी ए स्क्वायर, ये तो बराबर नहीं है तो ये यहीं फेल हो गया, कम्यूटेटिव फेल हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्ट है ना, ये फेल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, दूसरा हमारा जो होगा वो आपका आएगा ए स्टार बी स्टार सी, ये ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, ए बी स्टार सी क्या होगा बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या होगा ए बी स्क्वायर स्टार सी। अब क्या करते हैं देखिए, इनमें ना पहले वाले को रखते हैं दूसरे का स्क्वायर करते हैं, तो इसको ऐसे रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर सी की पावर फोर, इसमें पहले वाले को ऐसे रखेंगे इसका सी की पावर स्क्वायर होगा, तो यहां पर देखिए बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं। अब सातवां क्या कहता है, सातवां कहता है एक तो स्टार है क्यू पे है और किस तरीके से डिफाइंड है ये ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। चलिए साहब ए स्टार बी करिए, यहां बी स्टार ए करिए, इस ए स्टार बी क्या है ए प्लस ए बी, और बी स्टार क्या होगा ए की जगह बी रखना पड़ेगा बी प्लस बी ए, तो बी प्लस बी ए तो बराबर है ही नहीं तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब आइए आप एसोसिएटिविटी पे, तो वहां के लिए हम जाते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर हम इसको कर लेंगे, राइट। चलिए बी सी का मतलब क्या है बी प्लस बी सी, ए स्टार बी का तो दिया ही है ए प्लस ए बी। अब यहां पर क्या होगा देखिए, पहले हम यहां और यहां इसको रखेंगे और बी की जगह इसको रखेंगे, यानी कि ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी, इसी तरह ये करेंगे, इसको यहां रखेंगे ए प्लस ए बी, फिर इसको रखेंगे ए प्लस ए बी, और फिर सी को यहां रखेंगे, तो क्या मिल रहा है ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, यहां क्या मिल रहा है ए प्लस ए बी प्लस आपका ए सी प्लस ए बी सी, तो इसमें एडेड टर्म जरा आ गया है ना, इसलिए ये बराबर नहीं है, तो ये आपका एसोसिएटिव तो नहीं।
अब ये आपका आया एट्थ। एट्थ में क्या है? एट्थ में दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस सेवन। तो हम कर लेते हैं इसमें ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सेवन, ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सेवन। तो ये तो बराबर दिख रहे हैं, है ना? तो कम्यूटेटिव तो सही है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव पे, देखते हैं एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी में क्या आएगा? बी प्लस सी माइनस सेवन। ए स्टार बी में क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस सेवन। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले इसको रखेंगे ए को, फिर इसको रखेंगे बी प्लस सी माइनस सेवन, और फिर माइनस सेवन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको रखेंगे ए प्लस बी माइनस सेवन, फिर दूसरे वाले को रखेंगे, फिर माइनस सेवन करेंगे। तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, साथ साथ 14 हो गया, और ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस 14 हो गया। ये तो बराबर आ गया, तो एसोसिएटिव भी हो गया। ये नाइन्थ है आपका स्टार, किस तरीके से डिफाइंड है ये? ये डिफाइंड है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्टार बी को आपको बी स्टार ए के बराबर बताना है। ए स्टार बी क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्टार ए क्या हो गया? बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर जो होगा, क्या हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यहां पर एक शंका है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं माइनस बाहर ले लूं और स्क्वायर उसका प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं, राइट? लेकिन क्योंकि क्योंकि यहां पर कम्यूटेशन की बात हो रही है ना, कभी भी आप इसको, ये जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी बी माइनस ए, अगर इसको आप किसी तरीके से यहां बता सके, कहने का मतलब मैंने अभी अभी आपको जो बताया कि बी माइनस ए होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए माइनस बी कर दूं, ऐसा हो सकता है? और क्योंकि पावर स्क्वायर है, अगर ये क्यूब होता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये तो प्लस वन हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये कम्यूटेटिव हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिएगा, ओके? ये इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसीलिए यहां थोड़ा सा डिस्कशन किया, ये दोनों बराबर हैं। अब हम आते हैं एसोसिएटिव पे, तो एसोसिएटिव देख लेते हैं। चलिए, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम बी सी को कर लेंगे, यहां ए बी को कर लेंगे। तो ए स्टार ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले को रखेंगे, यानी कि आपको करना क्या है, यहां पर पहला वाला रखिए ए, फिर रखेंगे दूसरा वाला, ही वाला माइनस बी माइनस सी, ओके? और इसका होल स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर होगा। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट? और फिर ए, इन दोनों को माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। यहां पर क्या आएगा, पहले आप ये रखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर यहां पर करेंगे माइनस सी, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, फिर इसका करेंगे होल स्क्वायर। और आप देख लीजिए इसको अगर आप ओपन भी करते हैं, जैसे यहां पर ओपन करके दिखाया गया, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ओपन करके देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं आएंगे, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको स्किप किया है, और भी आगे स्किप हो सकता है क्योंकि 13 पार्ट है इसमें, 10th। अब आप लॉजिक तो समझ गए ना बेसिकली, अब 10th पे आ जाइए। स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स ए बी प्लस वन। तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन, देखिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करना है हमको, तो यहां पर ए स्टार बी में आ गया ए बी प्लस वन, बी स्टार ए में हो गया बी ए प्लस वन, यानी कि ये भी ए बी प्लस वन ही हो गया, दोनों बराबर हो गए, है ना? तो इसका मतलब ये आपका कम्यूटेटिव तो है। अब अगले पे आ जाइए आपका एसोसिएटिव पे।
स्टार बी स्टार सी, बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे, तो ए स्टार ये हो जाएगा बी सी प्लस वन, ये हो जाएगा क्या आपका ए बी प्लस वन। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वन से जोड़ देंगे, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी प्लस वन मल्टीप्लाई हो गया प्लस वन कर देंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ठीक है जी, तो ये हो गया ए बी सी प्लस ए प्लस वन, और ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस वन। यहाँ ये दोनों टर्म तो सेम है, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब ग्यारहवा है इसमें, स्टार ऑन एन डिफाइंड बाय, इसमें है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, ए की पावर बी है, ए रेज बी है, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करते हैं, ए की पावर बी होगा या बी की पावर ए होगा, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, तो एसोसिएट ये कम्यूटेटिव तो नहीं। अब हम आएंगे इसमें एसोसिएटिविटी पे, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, तो ए स्टार ये हो जाएगा बी की पावर सी, ये हो जाएगा आपका ए की पावर बी, और ये स्टार सी, ये बनेगा आपका, इसमें क्या होता है इसकी पावर जाएगी ए की पावर बी की पावर सी, ठीक है, और ये क्या बनेगा ए की पावर बी और उसकी पावर सी, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये जो है वो तो ए की पावर बी सी बना, ये ए की पावर बी सी नहीं है, ये ए की पावर बी की पावर सी है, दोनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। बारवा पार्ट है ये, स्टार ऑन जेड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, फटाफट करते हैं इसको, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, तो ए स्टार बी होगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम, अरे ये थर्ड में देख चुके हैं, ये हमारा जो थर्ड है ना, बस उसमें थर्ड वाले में क्यू था, यहाँ पर जेड है, ठीक है, तो ए माइनस बी बी माइनस ए ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये कम्यूटेटिव तो है नहीं। अब ए कलर चेंज कर देता हूँ इसका, यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, देखिए डिस्कशन सेम ही है, तो पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा ए ये बी माइनस सी स्टार है, यहाँ पर ए माइनस बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, बनेगा ए माइनस बी माइनस सी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव ये नहीं है। ओके, इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्टार, तो ऑन क्यू क्यू, और आपको दिया क्या है ए स्टार बी बराबर है ए बी बाय फोर, पहला कर लेते हैं ए स्टार बी, क्या बी स्टार ए के बराबर है, ए बी क्या है ए बी बाय फोर, और ये क्या है बी ए बाय फोर, ए बी एन टू बी और बी इन टू ए बराबर होता है, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, ये ए है ये बी सी बाय फोर हो जाएगा, हो जाएगा ए बी बाय फोर, अब इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर, और ये हो जाएगा आपका ए बी बाय फोर इंटू सी डिवाइडेड बाय फोर, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय फोर फोर सिक्सटीन, ये भी है आपका ए बी सी बाय फोर फोर सिक्सटीन, तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक है जी। और भी पार्ट है मेरे पास, 13 है, अगर आपकी किताब में एक से ज्यादा हो इससे ज्यादा हो तो ये भी देख सकते हैं आप, और भी हैं। ओके, सवाल संख्या 5, अब इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।